दर्द है, घुटने में दर्द रहता, कमर में दर्द रहता, ये तो एक दो को नहीं सबके साथ ही प्रॉब्लम है, क्योंकि खान पान इतना अशुद्ध हो गया है, इतना विकृत हो गया, फास्ट फूड, जंक फूड, हर चीज में मिलावट। आजकल भोजन बनाने के लिए जो प्रेशर कुकर उपयोग में लाते हैं, तो स्टील के प्रेशर कुकर में भोजन बने तो अच्छा, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन जो प्रयोग करते हैं, सबसे घटिया और हल्की जो धातु है वो एल्युमिनियम है, लोहे से भी। एल्युमिनियम के बर्तनों में कुकर, प्रेशर कुकर में भोजन ना बनाए। पहले जो भोजन बनता था गाँव में, घरों में, हमने देखा था कि पुराने बुजुर्ग लोग घर के बाहर चूल्हा बना के रखते थे। आज बोले जेट योग है, फैसिलिटी आ गई है, सुख सुविधाएं आ गई है, तो जितनी सुख सुविधाएं, जितनी फैसिलिटी मिली, उतनी हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर हो गए, और तरह तरह की बीमारियां समय से पहले ही गिरने लगती है। तो पहले जो भोजन बनता था परकोठे में, आंगन में चूल्हा होता था, या तुम हांडी में या किसी चीज में वो दाल या कोई भी चीज पकती थी। तुमने देखा होगा कि उड़द की दाल, चने की दाल, हरड़ की दाल या राजमा, ये दूसरी जो भारी चीजें होती है, ये खेतों में भी देर से पकती है, टाइम लगता है इनको पकने में, और जब तुम चूल्हे पे पकाओ तो भी देर से पकती है, और पचने में भी देर से पचती है। लेकिन बोले प्रेशर कुकर है, भरो इसको, मारो सिटी, चार की जगह छह, छह की जगह आठ, और नहीं पका तो और बंद करके दस लगा दो, कचूमर बना दो, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन, सारा कैल्शियम, जो उसके पोषक तत्व हैं, सारे घुल मिल के राख, कुछ भी नहीं, सब नष्ट हो जाते हैं। फिर मसाला वसाला डाल के भले स्वाद लगे तुम्हें, लेकिन जो स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए उससे वो नहीं मिलता। तो क्या खा रहे हो? बोले हम तो ये खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। तो जो भोजन वैज्ञानिकों ने अभी रिसर्च किया है, उन्होंने कहा कि जो हम भोजन पकाते हैं उसको बंद करके ना पकाएं, आधा उसको खुला रखें। तो पहले तो सूर्य की किरणें भी वो जो भोजन पक रहा है उस पर पड़ती थी, तो सूर्य की किरणें भी उसमें पड़ रही है, सूर्य तत्व और ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें होनी चाहिए। तो वो दोनों प्रेशर कुकर में पकाने के कारण ना तो उसको ऑक्सीजन मिलती, बल्कि ऑक्सीजन जो भीतर बनती उसको बाहर सिटी के द्वारा बाहर निकलती है, सारा बाहर मसाला, और ना तो धूप मिलती। तो इस वजह से तरह तरह की जोड़ों में दर्द, हड्डियों के, जोड़ों के, डायबिटीज, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी, तरह तरह की बीमारियां जकड़ रही है। तो जितना हो सके प्राकृतिक ढंग से, नेचुरल तरीके से भोजन भी बनाए, तो चूल्हा तो नहीं लेकिन फिर भी कढ़ाई में बनाए या दूसरा, थोड़ा गैस ज्यादा लगेगी। बोले समय नहीं है, समय कहाँ इतना है। पहले के जमाने में मुल्तानी मिट्टी से बाल धोते थे, 50-50 साल तक बाल काले रहते थे, आजकल तो 25 साल 30 साल के पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। क्यों? दिखा रहे हैं टीवी में ये शैम्पू, ये शैम्पू, वो शैम्पू, ये तरह 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 के ज्ञापन देख देख करके बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और फिर थोड़े दिन में बोले बाल सारे झड़ गए, टाल के बाल हो गए। तो आयुर्वेदिक तरीके से घर में ही आप शैम्पू बना लो, जो चीजें उसमें डली वो ले आओ आप प्राकृतिक तरीके से। मुल्तानी मिट्टी का पिसा हुआ पाउडर होता है, सस्ता का सस्ता, यूं घोलो और सिर में लगाओ 5-7 मिनट, शैम्पू लगाएंगे तरह तरह के बाल श्वेत हो जाएंगे। यहाँ आयुर्वेदिक शैम्पू भी है, लेना ही है तो आयुर्वेदिक शैम्पू, मुल्तानी मिट्टी भी शायद होगी। और कल मैंने बताया था रात को कौन कौन आया था कल? हाँ, तू चल, कुछ नए लोग हैं। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, मोटापा है, उनके लिए एप्पल जेल जो होता है, एप्पल जेल, सेव का जो होता है ना मुरब्बा, सेव का वो आया हुआ, वो आप पीछे स्टॉल से प्राप्त कर लेना। और जिनको भी जोड़ों में दर्द है तो समझ लेना कि जो वादी वाली चीजें हैं, भारी चीजें, वो खाना छोड़ दो। पंजाबियों में तो खाने का बड़ा शौक, सर्दी आई बोले मक्के की रोटी और सरसों का साग और चाहिदा ही चाहिदा, भले पचे ना पचे। मक्के की रोटी इतनी बादी होती है और सरसों का साग भी बादी होता है, पचने में भारी, रात का समय, और खाते भी देर से हैं, सोते भी देर से हैं, चलते फिरते है नहीं दिन भर घर में पैक। तो मेहनत करनी चाहिए। गांव की जो महिलाएं होती है वो शहर की महिलाओं से कम बीमार रहती हैं,
और उनके अंदर मोटापा भी कम होता है, क्योंकि दिन भर दूध भी निकालना है, गोबर भी उठाना है, झाड़ू पोछा भी करना है, लीपण भी करना, घर की साफ सफाई, खेतों में भी काम करना। तो मेहनत करने से शरीर कोई घिसने वाला है नहीं, बल्कि स्वस्थ रहेगा। शहर में बोले कोई काम है नहीं, घर में नौकरानी है, झाड़ू पोछा वो लगाएगी, कपड़े वो धोएगी, वॉशिंग मशीन आ गई है, सब फैसिलिटी आ गई है, अपने तो बस खाना भी नहीं बनाना, खाओ पियो और बाजारों में घूमो, शॉपिंग करो। बड़ा आदमी वो बोले बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर उसको होनी चाहिए, डायबिटीज उसको होनी चाहिए, हाई बीपी होना चाहिए, तो बड़ी बड़ी बीमारियों का घर बन जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कल भी मैंने बताया था, जिनको भी जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो घर में ही जो चीजें होती है, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, अश्वगंधा यहाँ स्टॉल से मिल जाएगा, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, और पंसारी की दुकान से मीठी सुरंजा मिल जाएगी, उसका पाउडर कर लो, समान मात्रा में ले लो, 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम, कूट पीस करके साफ बारीक करके फिर आधा आधा चम्मच भोजन के बाद लो, तो उससे आपके जो कार्टिलेज घिस गए घुटने के वो पुनः वापिस आएंगे, जोड़ों का दर्द ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, और सुबह शाम थोड़ी सी पार्क में घूमने जाएं, प्राणायाम करें, थोड़े सुबह सुबह एक्सरसाइज करें, आधा घंटा एक घंटा प्लेन निकालें, तो शरीर को स्वस्थ रखें। और चंद्र प्रभावटी, योगराज गूगल और शिलाजीत रसायन टैबलेट आयुर्वेदिक है, वो एक एक टैबलेट भोजन के बाद, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है वो ले, तो जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। सदगुरु देव भगवान की जय। तो ये शरीर के रोग है, लेकिन मन और बुद्धि के रोग आदि व्याधि उपाधि, ये तो भगवान के नाम से, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। महारोग भव रोग है, बार बार जन्मो और बार बार मरो, उसकी औषधि तो बाहर से नहीं, भीतर से।